नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं नुसंतरा प्रोजेक्ट के बारे में। नुसंतरा प्रोजेक्ट का 3.1 का ऑफिशियल बिल्ड अवेलेबल हो गया है रिसेंटली अपने Redmi Note 7 S Lavender के लिए। एंड इस वीडियो के अंदर हम नुसंतरा प्रोजेक्ट का जो रिव्यू है आपसे शेयर करने वाले हैं। इस बिल्ड के अंदर क्या क्या नया फीचर्स को ऐड करके दिया गया है, क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या बग्स को फिक्स करके दिया गया है, सब कुछ आपको मालूम चल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना इस तरह की इंटरेस्टिंग रॉम रिव्यू वाली वीडियो को देखने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं अबाउट फोन के अंदर। अपना जो अवार्ड फोन है कुछ इस तरह से है, एंड देख सकते हो बहुत सारी चीज़ ढक गया है, बट कोई बात नहीं। रेडमी नोट 7 लिखा गया है, एंड्रॉइड वर्सन जो है हमें देने को मिलता है एंड्रॉइड 11 है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड्रॉइड 12 जो है काफ़ी जल्दी आने वाला है। एंड नुसंतरा प्रोजेक्ट का एंड्रॉइड 10 के अंदर भी अभी लॉन्ग टाइम सपोर्ट जो LTS बिल्ड है वो भी रिलीज हो चुका है। 5th of July 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट हमें देने को मिल गया है। कर्नल जो वर्सन है 4.4 का पीडिएटेड स्टॉर्मब्रेकर कर्नल हमें देने को मिलता है। एंड ये जो बिल्ड है इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है, तो आपको जो प्राइवेसी है और जो सिक्योरिटी है उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा, जो काफी बढ़िया बात है। नाउ दोस्तों, बात कर लेते हैं इस बिल्ड के अंदर क्या क्या चेंजेस किया गया है नुसंतरा की तरफ से। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर के थ्रू आपका जो फोन है उसे आप वेकअप कर सकते हो, इस ऑप्शन को डाल दिया गया है, जो काफी बढ़िया है। सो सिंपली मान लेते आपका फोन ऐसा है, आप फोन को जब भी ऐसा उठाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो फोन का स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगा, लाइट अप हो जाता है। बट इस चीज से क्या होता है, आपका जो फोन का बैटरी थोड़ा सा ज्यादा ड्रेन होगा, तो ये चीज मैंने फिलहाल बंद करके रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो नुसंतरा विंग्स है इसके अंदर हमें थीम्स ऑप्शन के अंदर हमें कस्टम्स रजवार सिग्नल का ऑप्शन देने को मिल गया है। यहाँ पर हम देख सकते हो स्विचेस के अंदर हमने एंड्रॉइड 12 का जो स्विच है उसे डाल के रखा है। एनीवे हम बात कर रहे थे दोस्तों यहाँ पर कस्टम रजवार सिग्नल की, तो यहाँ पर हमें देख सकते हो सिग्नल बार स्टाइल्स के अंदर आप अलग अलग ऑप्शन को डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हम डाल लेते हैं वाईफाई बार स्टाइल। ये जो दो ऑप्शन आप देख पा रहे हो, ये दो ऑप्शन को इस बिल्ड के अंदर ऐड करके दिया गया है। इसमें टैप करते देखो वाईफाई वाला जो है ये चेंज हो जाएगा। वेट करो, ये देखो चेंज हो गया। सो ये दो जो ऑप्शन है ये सिग्नल मतलब आपका मोबाइल टावर के लिए है, तो ये दो जो ऑप्शन है इसे यहाँ पर डाल दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो स्विच स्टाइल है इसे भी ऐड करके दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्विचेस हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर हमें थीम सेटिंग्स डैशबोर्ड आइकॉन देखने को मिल गया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सेटिंग्स डैशबोर्ड आइकन के अंदर अलग अलग जो आइकॉन से अपना सेटिंग्स मेनू के अंदर सब अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पर डालते हैं ए वाला ऑप्शन को। नाउ चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, ये देखो चेंज हो गया। सो बढ़िया है ना भाई साहब, बहुत सारे अलग अलग हमें यहाँ पर जो है ऑप्शन देने को मिल जाती है। उसके बाद आपको अलग अलग सिस्टम के अंदर सेटिंग्स के अंदर जो थीम है उसे भी अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग सेटिंग्स के अंदर थीम का ऑप्शन देने को मिल जाएगा। फिलहाल बाय डिफॉल्ट वाला ही कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें जो आपका स्टाइल्स और वॉलपेपर है उसके अंदर अलग अलग क्लॉक को भी ऐड करके दिया गया है। या सा सिंपली चलते क्लॉक के अंदर, कुछ हमें यहाँ पर एंड्रॉइड 12 का क्लॉक को ऐड करके दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर फ्लूइड का क्लॉक को डाल दिया गया है। एंड यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग क्लॉक हमें देने को मिलता है, जो कि बढ़िया है। तो ये जो तीन ऑप्शन, ये तीन क्लॉक है इसे इस बिल्ड के अंदर नया डाला गया है। एंड एक अच्छी बात, आपको अलग अलग वॉलपेपर भी देखने को मिलता है, यहाँ से आप वॉलपेपर को भी चूज कर सकते हो। अलग अलग बहुत सारे वॉलपेपर है, जैसे कि हम फिलहाल ए वाला वॉलपेपर को डाल देते हैं। तो यहाँ से सिंपली होम स्क्रीन में टैप करते हैं, देखो नुसंतरा का वॉलपेपर जो कि काफ़ी बढ़िया है। आपको बहुत सारी नया वॉलपेपर भी इस बिल्ड के अंदर देखने को मिल गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर नुसंतरा विंग्स के अंदर से बटन के अंदर। सो बटन्स के अंदर हमें कुछ नया वॉल्यूम पैनल स्टाइल्स देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर P404, उसके बाद MIUI का कॉम्पैक्ट एंड जो शिफ्ट शिप, ये तीनों जो आप देख पा रहे हो इसे ऐड करके दिया गया है। यह सब अलग अलग जो वॉल्यूम पैनल है उसे आप डाल सकते हो। देखिए पा रहे हो मेरा जो फेवरेट होगा दोस्तों ये आपका डिफॉल्ट वाला ही होगा, डिफॉल्ट वाला ही मेरे को पसंद आया है। बट आप चाहो तो जो ASP वाला है उसे भी आप डाल सकते हो, जो भी पसंद है यहाँ से आप डाल देना। पार एप्लीकेशन आप वॉल्यूम को भी आप यहाँ से दिखा सकते हो, एंड आपको वॉल्यूम बटन के साथ आप वेकअप कर पाओगे। आप चाहो तो लेफ्ट में भी डाल सकते हो वॉल्यूम किस को, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर कस्टमाइजेशन तो ऑलरेडी आपको पता ही है, नुसंतरा प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी कस्टमाइजेशन भी देने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर जो ऑक्सीजन ओएस का जो है उस तरह की आपको सरसभर देने को मिलता है, ऑक्सीजन ओएस जैसे ही आपको जो है सरसभर देने को मिल गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पर जो टॉगल आप देख सकते हो, ये जो टॉगल है दोस्तों आपका ऑक्सीजन ओएस से लिया गया है। ऑक्सीजन ओएस के अंदर भी आपको इस तरह से जो डेटा यूजेस टॉगल है देखने को मिल जाती है। एंड हमें यहाँ पर सरस बार के अंदर लिरिक्स का जो फीचर्स है उसे भी ऐड करके दिया गया है। वही सब हमारा जो फोन है यहाँ पर देख सकते हो हैंग हो गया है, क्या बात है भाई सब। ओके अभी फिलहाल काम करना स्टार्ट करते हैं। ओके यहाँ पर थोड़ा सा ये देखो आई डोंट नो कैसा हुआ एंड क्यों हुआ, बट ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो जल्दी से फोन को जो है रिस्ट कर लेते। तो ऐसा भी हो सकता है, इस केस के ऊपर आपको सिंपली रिस्ट कर लेना होगा। ये थोड़ा सा बग हो सकता है, आई डोंट नो व्हाई हुए ऐसा क्यों हुआ, आई डोंट नो।
बूट एनिमेशन के अंदर अभी फिलहाल कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है स्टॉर्म के अंदर। देख ही सकते हो एंड्रॉइड 12 के लॉक स्क्रीन के साथ काफी बढ़िया दिखता है। लॉक स्क्रीन के अंदर जो क्लॉक हमने यूज किया है एंड्रॉइड 12 का काफी बढ़िया है। एंड वॉलपेपर आप देख सकते हो पीछे ब्लैक एंड व्हाइट वॉलपेपर एंड यहाँ पर व्हाइट कलर की वॉलपेपर, देखने में काफी मस्त लगता है। एनीवे हम बात कर रहे थे दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रेस बार के अंदर लिरिक फीचर्स को भी ऐड करके दिया गया है, जिसको आपको नुसंतर विंग में जाके आपको जाना होगा। आई गेस नोटिफिकेशन का ऑप्शन कहाँ पर गया भाई सब? ओके सो यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन के अंदर जाना होगा। नोटिफिकेशन के अंदर हमें जो स्ट्रेस बार लिरिक्स का ऑप्शन है इसे डाल दिया गया है। जो जो एप्लीकेशन सपोर्ट करते हैं स्ट्रेस बार के अंदर लिरिक्स को दिखाना वो यहाँ पर दिखाएगा, काफी बढ़िया ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें कस्टम क्लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाती है क्विक सेटिंग्स पैनल के अंदर। सो यहाँ पर आप यहाँ से अलग अलग मतलब अलग क्लॉक को डाल सकते हो अपने स्ट्रेस बार के क्विक सेटिंग्स के अंदर, जो कि काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर हमें थीम ऑप्शन के अंदर अलग अलग फॉन्ट को भी देखने को मिल जाती है, बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट्स है। सो फॉन्ट का भी सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है, जो कि काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर जो आपका फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है उसे भी डाल दिया गया है। इस बिल्ड के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। कुछ कुछ टॉगल है जिससे इनेबल करने के बाद आपका जो सिस्टम यूआई है रिसेट करने की जरूरत पड़ती थी उस वॉल्यूम को फिक्स कर दिया गया है। जो आपका रिंगिंग एंड नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आइकॉन एंड आपका जो रिंगिंग आइकॉन है उसे अलग करके दिया गया है। आपको मैं दिखाता हूँ साउंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो आपको रिंग एंड नोटिफिकेशन वॉल्यूम प्लस नोटिफिकेशन का अलग से है, तो इस ऑप्शन को अगर आप बंद कर दोगे तो आपको रिंग का वॉल्यूम एंड नोटिफिकेशन वॉल्यूम अलग हो जाएगा। तो ये जो अनलिंक का फीचर है इसे भी ऐड करके दिया गया है। एंड यहाँ पर आपको लाइव कैप्शन का फीचर देखने को मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट साउंड को भी आप बंद कर पाओगे, तो इस तरह की ऑप्शन को भी डाल दिया गया है। एंड उसके बाद आपको कुछ आइकॉन पैक है उसे इंप्रूवमेंट कर दिया गया है। जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का डायलॉग बॉक्स है उसे इंप्रूव करके दिया गया है। नोटिफिकेशन हेडर का जो टॉगल है उसे भी इंप्रूव करा गया है। अगर बात करूँ बैटरी बैकअप की, देखिए पा रहा हूँ 88% का बैटरी है, 14 आवर्स को मैंने चार्ज किया था, 8 मिनट का यूजेस है। सो उसके हिसाब से बैटरी बैकअप जो है काफी सही है, ज्यादा ड्रेन नहीं हुआ है, जस्ट फोन को मैंने चार्ज करके छोड़ दिया। एंड जो एंड्रॉइड 10 वाली बिल्ड है उसके अंदर हमें जुलाई के सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ साथ जो ओल्ड RGB एसेंट है उसे भी इंप्लीमेंट कर दिया गया है। ना दोस्तों बात करते हैं अपने रेमनोट 7 के अंदर क्या क्या चेंज किया गया है, क्या क्या ऑप्शंस को डाल दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर ये जो बिल्ड है इस बिल्ड के अंदर आपको जो लेटेस्ट वर्सन है नुसंतरा विंग नुसंतरा का सोर्स का उसे इंप्लीमेंट कर दिया गया है। ये जो बिल्ड है दोस्तों FDE हमें देने को मिल जाती है बाय डिफॉल्ट। एंड यहाँ पर जो आपका गूगल का कॉन्टैक्ट है उसे आप इंस्टॉल मत करना, वरना ये जो बिल्ड है उसको बुटलूप में फंस जाएगा। एंड यहाँ पर जो ऑरेंज फोर्स रिकवरी का लेटेस्ट वर्सन है उसे यूज कीजिएगा। बट यहाँ पर जो 4.1.4 है मतलब 4.14 का ऑरेंज फोर्स है उसे आप यूज मत कीजिएगा, ठीक है, वरना आप फोन को मतलब इस रॉम को बूट नहीं कर पाओगे। एंड आपका जब फास्ट बूट होगा मतलब पहली दफा जब आप इस रॉम को बूट करोगे तो दोस्तों आपको जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन है उसे ही आप सेट करना अपने फोन के हिसाब से, वरना आप अगर आप गूगल कॉन्टैक्ट को मतलब छेड़खानी करोगे तो आपका जो फोन है बूट लूप में फंस जाएगा। तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान में देना होगा। ओवरऑल ये जो बिल्ड है काफी सही बिल्ड है, क्या बहुत ही बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस के साथ हमें देने को मिलता है। एंड कस्टमाइजेशन भी बहुत सारी है, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लूटूथ वाईफाई मोबाइल डाटा सब कुछ यहाँ पर काम कर रहा है। एंड ऑलरेडी जो लास्ट बिल्ड है उसके अंदर मैंने यहाँ पर सभी फीचर्स के बारे में बोल दिया हूँ, तो इस बिल्ड के अंदर आपको अलग से कुछ बताने के लिए नहीं है। जो जो फीचर्स आपको देखने को मिलता है वो आप देख ही पा रहे हो। तो ये सब जो फीचर्स हमें देने को मिल गया है, आप जो आपका क्या कहते हैं ब्राइटनेस से टॉर्च को उससे भी आप बढ़ा पाओगे, हैप्टिक को बढ़ा पाओगे क्लॉक का ऑप्शन से। ना दोस्तों बात कर लेते परफॉर्मेंस कैसा है, तो सबसे पहले बात कर लेते 3D Mark की। तो 3D Mark का जो टेस्ट हमने रन किया था यहाँ पर देख सकते हो 362 देखने को मिल गया है। 2.20 का जो है यहाँ पर हमें 21 देने को मिल गया है। 3D Mark का जो स्कोर आया है काफी सही आया है मेरे हिसाब से, परफॉर्मेंस आपको दिक्कत वाली नहीं देगा, परफॉर्मेंस आपको बढ़िया देगा। एंड कैमरा टू पे के अंदर लेवल 3 का सपोर्ट है, तो गूगल कैमरा GCam जो रहेगा बढ़िया काम करेगा, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। गूगल कैमरा गो की बात करूँ ये भी बढ़िया काम कर रहा है, नो इश्यू एट ऑल, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बात करिए यहाँ पर Geekbench की, तो हमने Geekbench का जो टेस्ट है उसे भी रन कर लिया था। तो सिंपली यहाँ पर हिस्ट्री में चलते हैं, 329 देखने को मिला है सिंगल कोड के अंदर। मल्टी कोड के अंदर 1359 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। एंड देख सकते हो कर्नल को हमने चेंज नहीं किया है। सिंगल कोड का जो स्कोर है एवरेज से थोड़ा सा कम है, मल्टी कोड का जो स्कोर है एवरेज से ज्यादा है, तो आपको परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो मैजिक से उसे डाल के रखा था, तो सिंपली मैजिक हाइट को इनेबल करते हैं। एंड मैजिक हाइट को हमने ऑलरेडी इनेबल कर दिया है। देख लेते हैं जो बैंकिंग एप्लीकेशन होगा गूगल पे फोन पे इस तरह की एप्लीकेशन इस स्टॉर्म के अंदर काम करेगा नहीं, एंड इससे मालूम चल जाएगा सेपरेट एप्लीकेशन के थ्रू। देखिए पर वो पास हो गया है, इसका मतलब है SBI यूनो गूगल पे इस तरह की एप्लीकेशन इस के अंदर बढ़िया काम करेगा, नो इशू एट ऑल। नाउ दोस्तों देख लेते हैं सीपू थ्रोटलिंग की बारी।
देख ही पा रहे हो लगभग 6 मिनट के लिए जो टेस्ट हमने रन किया था मैक्स गया है 150, एवरेज है 147 एंड मिनिमम जो है 142 है एंड कोई भी यहाँ पर थर्मल थ्रॉटलिंग देखने को नहीं मिला है 6 मिनट के बाद। तो परफॉर्मेंस जो है काफ़ी बढ़िया है, आपको कोई भी जो है परफॉर्मेंस में ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा लगभग 6 मिनट के बाद। तो यहाँ पर जो हमें पीडिएटेड स्टॉर्म मेकर कर्नल प्लस जो नुसंतरा प्रोजेक्ट का बिल्ड देखने को मिलता है काफ़ी बढ़िया है, परफॉर्मेंस आपको एकदम टॉप नॉच एंड बढ़िया देखने को मिल जाएगा। सो अगर आपके पास 707 है, अगर आप नुसंतरा प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नुसंतरा प्रोजेक्ट का जो डाउनलोडिंग है प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप नुसंतरा प्रोजेक्ट को डाउनलोड करके आपके फोन के ऊपर इंस्टॉल करके देख सकते हो। मेक श्योर करना ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का लेटेस्ट वर्जन यूज करना एंड 4.14 का जो रिकवरी है उसे यूज मत कीजिएगा एंड फास्ट बूट के दौरान जो आपका डिफॉल्ट कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन रहेगा उसे यूज सेट करना और कोई सेकेंड मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को कॉन्टैक्ट की तरह सेव मत कीजिएगा एंड गूगल कॉन्टैक्ट को भी इंस्टॉल करने की कोशिश मत करना, जो है जैसा है वैसा ही रहने देना। बाकी ये जो हमें काफ़ी बढ़िया है, आपको परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी, बैटरी बैकअप भी बढ़िया देखने को मिल जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी बग्स नहीं है, बहुत सारी यूजफुल ऑप्शन को भी यहाँ पर डाल दिया गया है, फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है, अभी बहुत सारी डिवाइस के ऊपर जो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है देखने को मिल गया है एंड फिंगरप्रिंट की बात करूँ फिंगरप्रिंट भी काम कर रहा है, फेस अनलॉक की बात करूँ यहाँ पर फेस अनलॉक भी काम करना चाहिए बट काम तो करता है, वैसे फेस अनलॉक अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा है। सो बड़ा इस रोम को ट्राई करके देखो, काफी बढ़िया है, होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।